वहाँ 6 लोकसभा सीटें पिछली बार 19 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो हमने कहा कि वहीं से शुरू करें। लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को लेकर के हमने एक पत्र उनको दिया है। एनडीए से गठबंधन करने के बाद पहली बार ओम प्रकाश राजभर सीएम योगी से मिलने पहुंचे और पहली ही औपचारिक मुलाकात में राजभर ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया। ऐसी लोकसभा सीटें जहां 2019 में बीजेपी की हार हुई, अब वो सभी सीटें राजभर के टारगेट पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से यूपी में चुनावी बिगुल कहां से फूका जाएगा, इस बात का खुलासा भी राजभर ने कर दिया। लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को लेकर के हमने एक पत्र उनको दिया है कि ये आपके माध्यम से कार्यक्रम हम लोगों को मिल जाए और आप यहां से रिक्वेस्ट भेज दें और वहां से अनुमति मिल जाए और वहीं से चुनाव का बिगुल हम लोग। लालगंज कहां? ये आजमगढ़ जिले की एक लोकसभा है लालगंज, तो लालगंज लोकसभा में एक स्थान है कृषक इंटर कॉलेज मर्टिनगंज, तो वहां बड़ा मैदान है जहां 2 लाख की कैपेसिटी उस मैदान की। वहीं से क्यों शुरुआत करना चाहते? वहां 6 लोकसभा सीटें पिछली बार 19 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो हमने कहा कि वहीं से शुरू करें हम लोग। तो कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दे दिया आपने, कल वो उसके लिए आपको पता चलेगा कि आपको नहीं। अब वो आप तो मुख्यमंत्री जी उसको अपना वहां भेजेंगे, भूपेंद्र चौधरी जी को दे दिया गया है और माननीय जेपी नड्डा जी को भी। यानी कि जल्दी लालगंज लोकसभा जो सीट है वहां से आप चुनाव का बिगुल शुरू करेंगे? सितंबर के लास्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही कार्यक्रम के लिए हम लोग निवेदन किए, क्योंकि बीच में इधर 2-1.5 महीने बरसात है। और क्या बात हुई? एक तो राजभर वाली बात आपने बताई, और वही मिलकर के आगे आंदोलन को मिलकर के ज्वाइन कार्यक्रम चलाया जाए। राजभर बताते हैं कि उन्होंने सीएम योगी को एक पत्र दिया जिसमें आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र से पीएम योगी की जनसभा की शुरुआत करने का आग्रह किया गया। ये वही एरिया है जहां 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी और इसके आसपास की लगभग 6 सीटें भी ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी थी और 2019 में कमजोर रही। अब मजबूती दिलाने के लिए राजभर ने यहां से प्लान तैयार कर लिया। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा कराने का प्लान बताया गया है। राजभर के मुताबिक सीएम योगी से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी अवगत कराया गया है। अब जरा समझिए कि राजभर ने चुनावी प्रचार के लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट को ही क्यों चुना। 2019 में बीजेपी इस सीट पर हारी थी और ये पिछड़े दलितों का इलाका है। इसके आसपास की लगभग 6 सीटें 2019 में बीजेपी हार गई थी, इसलिए राजभर वहां से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें जहां 2019 में बीजेपी की हार हुई थी, वो सभी राजभर की रडार पर है, जिसमें आजमगढ़, मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, घोसी, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज और जौनपुर शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजमगढ़ हारी थी, हालांकि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सांसद चुने गए। लेकिन राजनीतिक समीकरण को देखें तो आजमगढ़ बीजेपी के लिए कमजोर इलाका है, इसलिए राजभर अब उन्हीं सीटों पर मजबूती चाहते हैं जहां बीजेपी कमजोर है। अब देखना होगा कि राजभर की प्लानिंग कितना काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।